So, सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में मैं सीम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार किस टाइप के प्रश्न जो है पूछे गए थे और कैसे कैसे प्रश्न पूछे आते हैं आखिरकार एग्जाम्स में तो पेपर आपका ये है 2015 का और इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम्स में पेपर वन होगा इंग्लिश लिटरेचर का इंग्लिश लिटरेचर बी द्वितीय वर्ष अर्थात बी ए ईयर पेपर वन के बारे में जो है आज की वीडियो के अंदर उसके बाद में अगली जो वीडियो होगी वो पेपर टू की

नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक पी डी ऐसे मैं दे दूंगा हो सकता है आपको तो आप लोग जो है उसकी चिंता ना करिएगा टेलीग्राम चैनल है वो जो है मैं शुक्ला एडी पॉइंट नाम से तो उस पर मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम आप ज्वाइन करो टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे जानते कैसे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम आप ऐप जो है डाउनलोड कर लो उसके बाद में टेलीग्राम सर्च करो शुक्ला टी पॉइंट वहाँ पर जो है मेरा चैनल आ जाएगा उस पर ज्वाइन कर लो आकर के ठीक चलिए बात कर लेते हैं भाई बीए पार्ट टू मतलब इंग्लिश लिटरेचर का 2015 में जो पेपर आया था पेपर वन प्रोज जो था उससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे आ, ये हम समझ लेते हैं उसको थोड़ा सा चलिए नोट अब यहाँ पर मैं केवल प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करूँगा और बाकी आप लोग जो है इसको समझने का प्रयास करिएगा जो भी कुछ होगा आप देखिएगा हालांकि इसके आंसर वगैरह मैं हो सकता है कुछ दिनों में देने का प्रयास करूँ तो आप लोग परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी इस पर मैं कार्य करूँगा तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा या फिर किसी टीचर के माध्यम से मैं करवाने का प्रयास करूँगा तो आप लोग चिंता ना करिए ठीक है चलिए लेकिन कुछ व्यवस्था आपके लिए करूँगा ज़रूर तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि अटेम्प्ड आल क्वेश्चन मार्क्स जो है मार्क्स एलोटेड टू ईच क्वेश्चन्स आर जो है इंडिकेटेड जो है अगेंस्ट इट मतलब कि जो है उसी के सामने जो है लिखा गया है मार्क्स कि जो प्रश्न आप करेंगे मतलब सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं जो है निर्देशानुसार देने हैं किस खंड से कैसे प्रश्न के उत्तर देने हैं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर जो है उसके सामने अंकित हैं ऐसा जो है इसमें बताया गया है सेक्शन ए पेपर जो होता है आपका खंड तीन में बटा हुआ होता था खंड आ खंड बा और खंड सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी सेक्शन ए से जो आपका प्रश्न पूछा जाता है अंग्रेजी में या फिर किसी भी पेपर में वह तिलगुत्री अर्थात वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद में सेक्शन बी से जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सेक्शन सी है आपका उससे दीर्घ मतलब कि जिसको आप लॉन्ग आंसर बोलते हो वो पूछे जाते हैं ओके okay? तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं तो ये पैटर्न था और पैटर्न यही लगभग विश्वविद्यालय में फॉलो होता है कुछ विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव परीक्षा करवा रहे हैं लेकिन पहले ही जो है पैटर्न फॉलो होता है कुछ में दस क्वेश्चन देते थे चार प्रश्न करने होते थे तो जैसा भी होता है बस आपके प्रश्न जो होंगे आपके यही इंपॉर्टेंट है प्रश्न जो हैं इन प्रश्नों को आप लोग अगर ध्यान से देख लीजिएगा तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका देखेंगे अटेम्प्ड आल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट फिफ्टी वर्ड्स आपको पचास शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं ऐसा इसमें बताया गया है अभी हम प्रश्न देखेंगे पहला प्रश्न है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइमिनी मतलब कि चिमिनी मतलब कि सेक्टर्स तो बताने का प्रयास करें कि जो है चिमनी सेक्टर्स के बारे में आप क्या समझते हैं ये पूछा गया अगला प्रश्न है हुइच थिंग इज नीडेड फॉर अ पर्सन इफ द रीड्स लिटिल ये प्रश्न था अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट डू क्या प्रश्न था मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न आपसे अगला था कि व्हाट डू वी वांट टू बी प्लीज विथ जो है फ्लेटरी यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दो के पेपर में कि व्हाट रिलेशनशिप लाइंस बेटबीन सर रोजर एंड जोसेफ एडिसन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया था एग्जाम्स में वो था डिस्क्राइब ओ, जो है ओकेशंस ऑफ लैम्स लाइफ न ही रोट ही ये से ड्रीम चिल्ड्रेन तो इसके बारे में आपको बताना था अगला प्रश्न था आपका फिफ्टी शब्दों में आपको फिफ्टी वर्ड्स में फिफ्टीन वर्ड्स में बताना मतलब सॉरी फिफ्टी वर्ड्स में बताना था अगला प्रश्न था आपका की कॉमेंट ऑन थ्री क्वालिटीज ऑफ जो है ऑल ईवर गोल्ड स्मिथ्स प्रोज स्टाइल इनके बारे में आपको बताना था अगला प्रश्न है आपका मतलब इनके प्रोज स्टाइल के बारे में बताना था जो गद्य कैसे लिखते थे उसके बारे में बताना था अगला प्रश्न था जो है व्हाट इज जो है ई e आई जो है डोराडो ई e आई डोराडो के बारे में आपसे पूछ रहा कि वो क्या है अगला प्रश्न है डिफाइन जो है सुपर स्टीसन क्या सु, जो है डिफाइन सुपरस्टे मतलब कि सुपरस्टेशन टीशन ठीक है डिफाइन सुपरस्टीसन इन योर ओन वर्ड्स ये प्रश्न था अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट डू सर्टन साइकोलॉजिस्ट टेल अबाउट जो है फॉरगेटिंग तो ये प्रश्न था अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपसे ये आंसर टाइप का जो ला, लास्ट वाला क्वेश्चन है नंबर तो मतलब दस के दसों आपको करने होते हैं डिस्कस इन ब्रीफ द प्रोज स्टाइल ऑफ जेबी प्रिस्टली तो ये प्रश्न थे आपके दस के दस इनके दस के दसों को आपको करने थे एक प्रश्न को पचास शब्दों में लिखना था और एक प्रश्न करने के आपको दो अंक मिलते थे उस समय ये बात ध्यान रखिएगा अभी भी किसी विश्वविद्यालय में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है आगे समझते हैं हम सेक्शन बी सेक्शन बी से जो प्रश्न है वो आ, जो है शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहाँ पर देखेंगे नोट नोट में क्या लिखा कि अटेम्प्ट आल क्वेश्चन गिव एंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट टू हंड्रेड वर्ड्स आपको यहाँ पर दो सौ शब्दों में उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न को करना है सभी प्रश्नों को करना है यहाँ पर देखेंगे लेकिन यहाँ पर एक मज़ेदार बात यह है कि जो और करके प्रश्न दिया है तो और के ऊपर वाला चाहे करें चाहे और के नीचे वाला करेंगे मतलब अथवा आर माने अथवा होता है चाहे एक ही प्रश्न में से करें तो दस प्रश्न आपको लघु उत्तरी से मिलेंगे लेकिन उनमें से पाँच ही करना पड़ेंगे चूंकि एक जो दस प्रश्न होंगे पहला ये दूसरा ये मान लीजिए तीसरा उसके बाद में फिर चौथा फिर अथवा करके नीचे तो ये मैं बता रहा हूं इस प्रकार से ठीक यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेन विथ रिफरेंस टू द कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग पैसेज मतलब कुछ पैसेज जो है आपके जो पाठ्यक्रम में जो पाठ्य संकलित हैं लेसन संकलित हैं जो कवियों के मतलब कि जो ऑथर के द्वारा या फिर लेखकों के द्वारा जो है जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लिखी गई हैं वो जो संकलित हैं उन रचनाओं के उन रचनाओं के किसी अंश को किसी स्टैंजा को लेकर के आपसे एग्जाम से, से प्रश्न पूछता है तो उसी को आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होता है एक्सप्लेनेशन माने होता है व्याख्या रेफरेंस माने होता है आपका क्या रेफरेंस माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों जो है जो है क्या होता है संदर्भ और कॉन्स्टेक्ट्स माने होता है आपका कॉन्स्ट्रक्ट माने होता है प्रसंग ठीक तो ये बात ध्यान रखो कॉन्स्टेक्ट आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद में रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन ये तीनों आपको लिखने हैं तो इन फॉलोइंग दिस पैसेज मतलब फॉलोइंग माने होता है निम्नलिखित पैसेज में नीचे दिए गए जो पैसेज है उसमें आइए पैसेज पढ़ देते हैं आपके समक्ष पैसेज है कि हिस्टोरीज मेक मैन वाइज पोएट्स विटी द मैथमेटिक्स जो है सबटल नेचुरल फिलोसॉफी डीप मॉरल गेव लॉजिक एंड रे मतलब कि रे टोरिक एबल टू कंटेंड तो ये था एक प्रकार से ये पैसेज था इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया था नेक्स्ट पैसेज आपका था और करके दिया गया था अब चाहे ऊपर वाला पैसेज आपको अच्छा लगे पता था तो ये करते अगर नहीं पता था तो ये ये कर सकते थे आप ये प्रश्न था कि सच यस से जो है कैंपेनिंग कैंपेनियन एज द आयथर मतलब कि आइदर नाउ एंड देन थ्रोज आउट अ लिटिल फ्लेटरी और लेट्स अ मैन साइलेंटली मतलब फ्लेटर हिमसेल्फ इन हिज सुपरियो मतलब कि सुपरियोटरी मतलब कि सुपरी सुपरी सुपर मतलब कि सुपरी ओ रिटी क्या बोलते हैं इसको सुपर रीओ ओके सुपर री ओ आप बोल सकते हैं मैं मेरा प्रोनाउंस जो है उतना सही नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से चूँकि अंग्रेजी पढ़ने में मुझे शुरुआत से ही दिक्कत होती जब मैं बचपन में था बहुत जो है पिटाई होती थी स्कूल में जो है अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी पढ़ाने के लिए हमारे सर जी थे वो खड़ा कर देते थे अंग्रेजी पढ़ो अंग्रेजी पढ़ो तो अब एक लाइन से जब पढ़ो तो शुरुआत से तभी यही मनाते रहते थे पीरियड भर कि जब भाई जो है वहीं से लाइन खत्म हो जाए आगे मेरे बगल तक आए और मुझे ना पढ़ना पड़े लेकिन कभी कभी पढ़ना पड़ता था, था तो, तो मार पे जो है कुटाई होती थी कस के तो यहाँ पर देखेंगे अगला है आपका तीसरा नंबर है जो है प्रश्न जो पूछा गया था आपसे जो है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग पैसेज वही बात इसमें बताई गई कि हाँ एक्सप्लेनेशन वगैरह करना है और कंस्ट्रक्ट भी लिखना है रेफरेंस भी लिखना है एक्सप्लेनेशन भी लिखना है ओके अब यहाँ पर देखेंगे पैसेज आपको दिया है पैसेज दिया है कि देयर इज ऑलवेज आ न्यू होरिजोन फॉर ऑन वर्ड लुकिंग मैन एंड आल दो वी डेविल मतलब कि डेविल ऑन आ इस्मेल प्लानट जो है इमर्ज इन पेटी बिजनेस एंड नॉट एन ड्यूरिंग बी ऑन्ड अ ब्रीफ पीरियड फ ईयर्स वी आर शो कॉन्स्टिट्यूटेड दैट आवर होप्स आर जो है इनसेबल मतलब इनकेशल लाइक स्टार्स ओके okay, ये था आपका जो है पैसेज अगर ये प्रश्न आपको पैसेज नहीं पता था कि किस पार्ट से लिया गया है किस कवि ने लिखा है इसका मतलब व्याख्या नहीं कर पाते तो दूसरा दिया गया था इसका छोटा सा इसको देख लीजिए अथवा करके ये प्रश्न कर सकते थे नंबर उतना ही मिलेगा दस नंबर का वो था ऊपर वाला दस नंबर का नीचे वाला ठीक ये देखेंगे जो है फिशिंग रोड ऑफ रियलिटी इज फॉर गॉटन बाई हिम एज ही डे ड्रीम्स ओवर द फीट्स ऑफ द फिशिंग रोड ऑफ जो है यूटोपिया तो ये प्रश्न था मतलब कि ये आपका था अगला देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न है आपके समक्ष कि राइट अ शॉर्ट यस्से ऑन द प्रोज स्टाइल ऑफ बेकन जो फ्रांसिस बेकन है उनकी प्रोज स्टाइल के बारे में आपको बताना है उन मतलब कि जो एक यस्से के रूप में मतलब कि एक शॉर्ट यस्से तो मतलब एक साठ य से एक निबंध छोटी संक्षिप्त एक प्रकार से छोटा सा निबंध लिखना है आपको उनके प्रोज स्टाइल पर आपको लिखना है बेकन्स के ओके अब जो है अगला प्रश्न आपसे दिया गया था इसी में अगर ये प्रश्न नहीं पता था दूसरा कर सकते थे आप डिस्कस जोसेफ एडिसन एज एन असिस्ट एक असिस्ट के रूप में जोसेफ एडिसन के एक प्रकार से बारे में बताएंगे निबंधकार के रूप में तो ये प्रश्न था अगला प्रश्न था पांचवा नंबर प्रश्न देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न से आप पूछा गया था कि हॉट जो है एस्पेक्ट्स ऑफ लैम्स पर्सनालिटी डू यू फाइंड इन हिज यस ए ड्रीम चिल्ड्रन इसके बारे में आपको बताना था पर्सनालिटी वगैरह के बारे में लैम्स पर्सनालिटी मतलब कि जो है व्हाट एस्पेक्ट ऑफ लैम्स पर्सनालिटी डू यू फाइंड इन हिज यस ड्रीम चिल्ड्रन ड्रीम चिल्ड्रन इसे पढ़ने के बाद में आप किस प्रकार से एस्पेक्ट करते हैं कि लैम्स का जो करेक्टर है पर्सन सॉरी पर्सनालिटी है व्यक्तित्व है उनका कैसा था अगला प्रश्न है आपका और करके दूसरा प्रश्न है अगर ये नहीं पता तो दूसरा कर सकते थे प्रश्न है कि जो है स, जो है समराइज द यसे जो है ई एल सॉरी ई आई है या फिर ई एल है क्या है ये जो भी है डोराडो तो ये एक प्रकार से इसके बारे में आपको जो है समराइज करना है तो अगला प्रश्न है आपके सामने छठवा नंबर प्रश्न है राइट इन योर ओन वर्ड्स क्या राइट इन योर ओन वर्ड्स द बूज ऑफ स्टील्स ऑन जो है फैक्ट्री ये प्रश्न था अगला प्रश्न था आपका ये प्रश्न पता था तो करते नहीं दूसरा ये वाला कर सकते थे इसके स्थान पर कमेंट ऑन द प्रोज स्टाइल ऑफ रॉबर्ट जो है लैंड रॉबर्ट लैंड के एक प्रकार से प्रोज स्टाइल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न पूछा गया तो ये एक प्रकार से जो है प्रश्न थे जो कि लघुत्तरी टाइप के थे प्रश्न थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उनके आंसर आपको लिखने थे दो शब्दों वाले अगला जो है सेक्शन सी आता है सेक्शन सी से जो है आपके जो है पाँच शब्दों में आपको प्रश्न लिखना पड़ेगा और दो प्रश्न ही करने हैं अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट फाइव हंड्रेड वर्ड्स तो यहाँ पर आपको दो प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको पाँच सौ शब्दों में लिखना है ओके दीर्घ दीर्घत्री टाइप के प्रश्न अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है ठीक है अब इन पाँचों प्रश्नों में से आपको दो प्रश्न छाट करके करना बड़े आसानी से प्रश्न है आपके सामने डिस्कस बेकंस एज दस्ट ब्राइटेस्ट एंड जो है मीनेस्ट माइन काइंड तो ये एक प्रकार से जो, है, जो 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 है फ्रांसिस बेकन इनके बारे में बताता है कि ब्राइट ब्रा, ब्रा, ब्राइटेस्ट मीनेस्ट और माइन कांड ये इनके बारे में कहा जाता है तो इसके बारे में आपको बताना है विस्तार से अगला प्रश्न है डिस्कस जो है स्टील एज एंड सी तो जो है स्टील जो एक प्रकार से जो कवि हैं उनके जो है बारे में मतलब एक यशिष्ट के रूप में उनका परिचय दीजिए उनके बारे में विवरण दीजिए डिस्कस कीजिए अगला प्रश्न है डिस्कस चार्लिस लैम्ब एज अ रोमांटिक यशेस्ट एक रोमांटिक रोमांटिकसिष्ट के रूप में डिस्कस करें चार्लिस लैम्ब के बारे में मतलब कि उनको एक जो है रोमांटिकसिष्ठ के रूप में अगला है दसवा नंबर प्रश्न है आपका डिस्कस एजी जो है गार्डिनर एज आई गा, जो है एजी गार्डिनर का का जो है प्रकार से उनके बारे में परिचय मतलब कि की, डिस्कस कीजिए किसके मतलब एक आई के रूप में निबंधकार के रूप में अगला है कि राइट जो है क्रिटिकल अप्रिसिए एप्रेस्ये, अप्रिसिएशन ऑफ दी एस ए इसके बारे में आपको बताना है तो ये प्रश्न था इम्पोर्टेंट आपका तो ये इतने प्रश्न थे जो कि आपके प्रश्न पूछे आने थे किससे भाई पेपर वन से पेपर टू जो है उसका नाम क्या है पेपर टू का नाम है आपके पेपर पेपर टू के नाम था आपका पेपर दो हज़ार पंद्रह वाले का जो है ड्रामा और ड्रामा एंड फिक्शन शायद अब हो गया है पेपर टू का है तो आप जो है कोई दिक्कत की बात नहीं प्रश्न हो सकता है तो आप लोग इसको हल करने का प्रयास करें अभी आप लोगों के पास समय है इसलिए प्रेमेसर क्वेश्चन पेपर आपको दे रहा हूँ ठीक है तो पेपर टू का जल्द ही आपके समक्ष देने का प्रयास करूँगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जे भारत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलाब बनाए रखें और मैं आपको बता दूँ मुझे यहाँ पर भाई अंग्रेजी वैसे आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और जल्दी कोई व्यवस्था की जाएगी आप लोग परेशान मत होइएगा लेकिन फिर भी जब तक कुछ हो सकता है तो मैं आपको कुछ मटेरियल देने का प्रयास ही करता तो आप लोग इसको एक प्रकार थोड़ा सा मैनेज करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं जैसे कि अगर कोई चीज़ इसमें ना समझ में आए फिर ना बता पाया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे टूटी फूटी जो शब्द है शब्दावलियाँ हैं या फिर प्रोनाउंस हैं उसको आप लोग मैनेज करें उसी में पढ़ने का प्रयास करें चूँकि कभी कभी होता है कि सारे सब्जेक्ट एक व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता तो इसीलिए जो है माफ़ी चाहेंगे अब मेहनत करें तो क्या इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते बिल्कुल पढ़ा देंगे लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी अब जो है फिर अगला सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी सब्जेक्ट छूटे आप हर एक क्षेत्र में आगे जाएं और आपकी जो उन्नति ही में मेरी भलाई है और आपकी भी भलाई है ओके चलिए फिर मिलते हैं पेपर टू के साथ ड्रामा ओके ड्रामा एंड फिक्शन धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद